तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और वेलकम है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। ये व्लॉग जो है इसकी शुरुआत हुई है सुबह से। अभी जो है मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना के आ गई हूँ, बच्चों को करवा के आ गई हूँ। और आज देखिए बाहर जो है हो रही है बारिश। तो यहाँ पे ना मैंने स्टैंड रखा था कपड़ों का, उसको मैंने अंदर किया और फिर मैंने सोचा आपको जो है बाहर का ये वेदर प्यारा सा दिखा देती हूँ। आपने बहुत ही जोरों शोरों पे जो है बाहर बारिश लगी हुई है, तो वैसे बारिश हो तो प्रॉब्लम और ना हो तो प्रॉब्लम, ना हो तो गर्मी और अगर हो जाए तो फिर ये वाली प्रॉब्लम। वैसे चलो कोई बात नहीं, गर्मी है, अंदर भी हवा से जैसे फैन वगैरह की हवा से सूख जाएंगे कपड़े। वैसे ये रात को धोए थे, आधे सूखे ही हो चुके हैं थे, लेकिन बारिश जो है जोरों से लगी, मुझे पता ही नहीं लगा और ये थोड़ी थोड़ी जो है दोबारा से गीले हो गए। चलिए इनको लगा देती हूँ मैं, परे बाहर हॉल में रखती हूँ। और किचन में अभी जो है मेरा काम कुछ बच रहा है उसको कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है मेरी आईब्रोज थ्रेडिंग करने को हो गई है, तो ट्रिमर है मेरे पास, देखूंगी आज अगर टाइम लगा तो वो भी करूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। और ये जो है ना, ये मैंने बैंगन की मसाले वाली सब्जी बनाई थी, तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। ये मैंने अलग से ट्राई करी थी, तो रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके साथ जो है ये बता रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में जो है ये मैंने हस्बैंड को ऑफिस के लिए आज दी थी बैंगन की सब्जी। तो इस तरह के मसाला बैंगन ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं, बस उनको फ्राई कर लेना है और फ्राई करके ग्रेवी बना के फिर उनको बना देना है। तो यहाँ पे मैंने जो है मलाई निकाल के रख दी थी ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, जब तक मैं बाहर के काम करूंगी तब तक फिर जो है मैं फिर इसका मक्खन भी निकाल लूंगी। तो यहाँ पे आज मैंने किचन का काम पहले नहीं किया, पहले मैंने बाहर के सारे काम किए, साफ सफाई का। और बच्चों के लिए मैंने बनाई थी नमकीन सेवियां और अपने लिए शेक ब्रेकफास्ट में, और बैंगन की सब्जी पड़ी है और दिन को दाल चावल बनाएंगे। और बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो आज उनकी छुट्टी है, एक जो है पारस अपने रूम में बैठा है और वो अपने रूम में बैठे हैं, सब स्टडी अपनी स्टडी कर रहे हैं। और अभी जो है मैं ये फटाफट से जितना भी किचन का तामझाम है उसको कर लेती हूँ क्लियर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं किचन को कपड़ा मार लूँगी। ये ना मेरी मतलब ऐसी आदत है कि आप पूछिए मत, बार बार मैं किचन में कपड़ा मारती ही रहती हूँ। और फिर बस वैसे मैंने साथ के साथ जो भी काम करती हूँ ना, साथ के साथ जो है किचन को कपड़ा जरूर मारती हूँ ताकि मेरा किचन साफ़ सुथरा रहे। ये मलाई जो है काफ़ी दिनों की इकट्ठी हुई थी, तो वैसे तो ब्लेंडर से जो है आसानी से थोड़ी मलाई हो तो आराम से निकल जाता है, लेकिन जो है हमारा देसी जुगाड़ है ना मक्खन निकालने वाला गाँव की तरह, वो जो है मैंने मशीन यहाँ पे भी रखी है, तो जब भी ज़्यादा मलाई मेरे पास हो जाती है, ज़्यादा दही हो जाता है, तो फिर इससे जो है मक्खन निकाल लेते हैं। तो इसमें जो है बहुत ही अच्छे से मशीन लग जाती है और मक्खन ये देखिए आप निकल गया, और कुछ ही मिनटों में जो है फटाफट से मक्खन इसमें निकल जाता है। और जिस दिन मक्खन वगैरह निकालना हो ना, काम किचन का मेरे को लगता है बढ़ ही जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हमारा हो जाता है। तो बस जी, यहाँ पे मक्खन वगैरह निकालने के बाद जो है मैंने यहाँ पे जो अभी बर्तनों वगैरह को साफ़ कर लूँगी मैं, तो काफ़ी बर्तन यहाँ पे हो गए थे, सुबह से जमा हो गए थे, और ऊपर से ये जो मक्खन वाले थे ना मैंने साथ में रख दिए, तो अब ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे से हो गए थे। तो अभी मैं ये सारे बर्तनों को कर लूँगी साफ। बॉटल्स वगैरह भी रखी हैं मैंने साइड में, इनको भी आज धो धा के रख दूँगी, क्योंकि अब जो है फ्रिज वाले मतलब पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो फ्रिज में पानी नहीं रखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब जाके मैं यहाँ से फ्री हुई हूँ, फ्री भी नहीं हूँ, अभी भी नहीं हुई हूँ। वैसे तो मैंने जो है मक्खन रख दिया, अब इसको जो है काफी टाइम लगेगा, तो अभी ना मैं साथ में जो है लंच भी बना दूंगी। और ये देखिए बर्तन वगैरह सब मैंने धो के जो है सारा किचन को अच्छे से साफ कर लिया है, और अभी इसको जो है मीडियम फ्लेम में रख देती हूँ। और बारिश इतनी तेज हो रही है ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ बाहर चल के। ये देखिए यहाँ पे बारिश, पानी पानी पूरा इकट्ठा हो गया है, पर मौसम ना बस बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा मतलब ठंडा ठंडा सा, पर खूब जो है आज सुबह से जम के बारिश हो रही है।
हस्बैंड जब ऑफिस के लिए निकले थे उसके थोड़ी देर बाद ही जो है बारिश शुरू हो गई थी, तो यहाँ पे कुछ कपड़े जो है इस तरफ को लटकाए हुए थे, टॉवल वगैरह वो मैंने यहाँ रखे हैं। अब मैं इनको फोल्ड कर लूँगी और फिर बनाऊंगी लंच। तो यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड कर दिए हैं। एक्चुअली पता क्या, मैं चली गई थी नहाने क्योंकि घी को टाइम लगना था, तो मैंने सोचा फटाफट जो है मैं नहा लेती हूँ क्योंकि फिर ना लेट हो जाता है और लेट फिर नहाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि जब भी काम जैसे ही खत्म हुए फटाफट नहाने भाग जाओ। और बारिश तो अभी भी वैसी ही लगी हुई है, लगातार आज हो रही है बारिश। आज जो है मौसम ने अपना रंग बदल दिया है, बाहर जैसे निकले बहुत ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। और मैंने बोला था ना कि मैं आज जो है वो करूँगी थ्रेडिंग, तो ये देखिए इसके लिए मैं ना सेल मैंने मंगवाए थे, अभी अभी मैंने खोल के निकाला है। ये पेंसिल छोटा सेल इसमें डलता है, तो ख़त्म हो गया था इसका सेल और कई दिनों से ना मेरे को याद ही नहीं रह रहा था सेल लेके आने का। तो ये देखिए यहाँ पे इसका सेल डलता है, तो जब से ये लिया है ट्रिमर तो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब ना आसानी हो जाती है थ्रेडिंग वगैरह करने में, क्योंकि देखियो हर टाइम तो हम पार्लर नहीं जा सकते। वैसे तो मैं थ्रेड से भी कर लेती हूँ लेकिन इससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको नया सेल डाल दिया है और अभी जो है मैं कर लूँगी अपनी थ्रेडिंग। तो यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह हो गई है और उसके बाद मैंने क्या किया, हस्बैंड की दो जीन्स पड़ी थी वो ना काफ़ी मतलब पुरानी हो गई थी, तो मैंने निकाल ली। मैंने सोचा इनका जो है कुछ रीयूज़ कर लेती हूँ। तो आज जो है मैंने सारी मतलब हस्बैंड की जो जीन्स थी उनको फाड़ फूड़ के जो है रख दिया। एक्चुअली मैं इनका कुछ बनाने वाली हूँ, वो आपको जब बन जाएगा ना उसके बाद ही मैं इसको शेयर करूँगी। तो इसका जीन्स का अपर हिस्सा जो है मैंने अलग कर दिया और जो दोनों लेग्स वाले हिस्से थे उनको जो है इस तरीके से अच्छे से निकाल लिया, मतलब उसके धागे वगैरह साइड करके। और मैंने हाँ पॉकेट को भी रख लिया है, तो पॉकेट का भी मैं जो है इस्तेमाल कर लूँगी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हस्बैंड की जीन्स को मैंने उधेड़ बुन के रख दिया है और अभी जो है अभी हम करेंगे लंच, क्योंकि लंच हमने नहीं किया है। मैंने दाल तो बना दी थी, मिक्स दाल बनाई है और उसके बाद ही मैं जो है इसको स्टिच करूँगी। और स्टिच करके क्या बनाऊँगी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है इसका शेयर कर दूँगी, क्योंकि अगर स्टिचिंग भी इसी व्लॉग में शेयर करूँगी ना तो फिर व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप फिर उसको जो है स्किप करोगे। तो अभी जो है व्लॉग की एंडिंग भी मैं यहीं पे कर दूँगी। आई होप आपको जो है मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के साथ बेल कीजिएगा ऑल पे सिलेक्ट, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको मेरा चैनल सर्च ना करना पड़े। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। और ना बाहर पानी 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 खड़ा हो गया है, पूरी बरसात वाली जो बारिश है ना वो हो रही है। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।